गौरक्षक निकलाए दलितों पे और मुसलमानों पे हमला करने, कभी आपके एंटी रोमियो स्क्वाड्स, शायद आप में से कुछ इंग्लिश लिटरेचर के भी स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन अगर नाम ही रखना चाहते तो आपके मॉरल पॉलिसिंग के लिए, तो आप जरा शेक्सपियर को क्यों बदनाम कर रहे पता नहीं, वो एंटी रोमियो नाम क्यों लगाया, वो कुछ और नाम लगा लेते हो मॉरल पॉलिसिंग के लिए, लेकिन वो कहेंगे आपको क्या आप पहन सकते हो, क्या आप खाओगे, किसके साथ दोस्ती करोगे, कैसे आप रहोगे, आपकी जिंदगी कैसी होगी वो तय करेंगे। इस तरीके की सामाजिक बंटवारा ले आकर लोगों का गुस्सा जो उनकी आर्थिक बर्बादी जो हो रही है उससे अलग हटाने के लिए अपनी सांझी विरासत पे ही एक बहुत बड़ा हमला आज जो है बिठाई गई। हर क्षेत्र में आप देखिए, यूनिवर्सिटी में अभी सूरज यादव जी बता रहे थे, हर यूनिवर्सिटी में JNU के अंदर वो जो हमला हुआ वहां पर स्टूडेंट्स इनटेक को बहुत मतलब 90% गिरा दी गई कई सारे सेंट्रल, आपके हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इन सब पे हमला करते हुए वो आज चाहते हैं कि पढ़ा लिखा नौजवान ज्यादा ना उभरे अपने मुल्क के अंदर, वो सबसे बड़ा खतरा है उनको। नौजवानों के अंदर अगर चेतना बढ़ेगी और ये सवाल वो पूछने लगेंगे तो तब दिक्कत होगी, तो अगर उनको अपनी विचारधारा की तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहे तो संख्या को ही घटा दो, और संख्या घटा दो और प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुलवा दो, जिसके पास पैसा है वो ही जा सकता है, बाकी लोग जो है वो बेकार रहे बर्बाद हो उसके लिए कोई परवाह नहीं है सरकार। अब ये सब शिक्षा के क्षेत्र में ये हमला क्यों हो रहा, क्योंकि वो वैज्ञानिक आधार जो होना चाहिए जो आप लोगों की अब बनती है, जैसे हमारी बनी हमारे बीए और एमए के टाइम पे, आप लोगों के अब वो आधार बनती है वैज्ञानिक आधार, जिससे पूरी जिंदगी भर आप उसके आधार पर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। उसको बिगाड़ना, उस बुनियाद को बिगाड़ना, आप धर्म के आधार पर आपको बताना है कि एक ब्लाइंड ऑब्स्क्यूरिटिज्म की ओर आपको ले जाए, दाभोलकर की हत्या क्यों हुई, अंधविश्वास और उसके खिलाफ जो लड़ाई जो कर रहे थे, ये अंधविश्वास जितना बढ़ेगा उतना उनके ये सांप्रदायिक हमलों को ज्यादा जोर मिलेगा। तो इसीलिए छात्रों के ऊपर और खासतौर से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये हमला उनकी जारी है, और यही वैज्ञानिक आधार उसके ऊपर हमला। और मैं ये सिर्फ एक उदाहरण देके मेरी बात खत्म करूंगा, शरद जी बोलेंगे अभी। अब आप देख लीजिए, आप छात्र हैं तो शायद आपको दिलचस्पी होगी इस बात में, भगवद गीता में ये कहता है संभवामि युगे युगे, यानी जब भी संकट में आ जाता है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी धर्म का स्थापित करने के लिए दशावतार आते हैं, 9 आ चुके हैं, 10वां आना है, ये है आपका एक धार्मिक विश्वास। अब ये 9 ये दशावतार है कौन, वैज्ञानिक तौर से देखिए, मत्स्य सबसे पहला, और विज्ञान क्या बताता है कि जीवन और जिंदगी की शुरुआत पानी के अंदर पहले शुरू हुआ, और अंडर वाटर लाइफ इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ फॉर्म्स, वो है मत्स्य। दूसरा अवतार कौन सा है, वराह। वराह क्या है, एक टॉर्टल जो पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, और मत्स्य कूर्म वराह, सॉरी कूर्म इज द टॉर्टल एंड देन वराह इज द वाइल्ड बोर, जो ओके लैंड में रहता है, यानी ट्रांजिशन आपके पानी के अंदर से पानी के बाहर तक लाइफ फॉर्म की ट्रांजिशन। उसके बाद क्या आता है, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह, आधा आदमी आधा जानवर, और उसके बाद अगला वामना, वामना माने पहले ड्वार्फ फॉर्म ह्यूमन फॉर्म का पहला अवतार, और उसके बाद परशुराम। परशुराम के हाथ में क्या होता है, याद है किसी को, एक एक्स होता है ना, वो एक एक्स होता है, यानी फॉरेस्ट को क्लियर करने की काम, यानी ह्यूमन हैबिटेशन शुरू हो रही है ह्यूमंस की, वो फॉरेस्ट को क्लियर करके ह्यूमन हैबिटेशन को बसा रहे हैं। परशुराम के बाद कौन आते हैं,
राम, राम जी से भी जो रामलीला हमने किया, और राम जी के हाथ में हथियार कौन सा होता है? तीर धनुष। यानी जो ह्यूमन हैबिटेशन है उसके ऊपर अगर हमले होते हैं, उस हमलेवार को दूर से ही हम खत्म कर सके, जो लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल चाहिए, और लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल है आपका तीर, शरद जी का चुनाव चिन्ह वही लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल। और वो लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल के राम अवतार के बाद कौन आता है? बलराम। बलराम के हाथ में क्या होती है? हल। यानी आपके फॉरेस्ट क्लियर करके ह्यूमन हैबिटेशन हुआ, ह्यूमन हैबिटेशन को आपने बचाया, फिर वो ह्यूमन हैबिटेशन जो है एग्रेरियन इकोनॉमी के रूप में बदली, और हल चलाते हुए आप जो है एग्रेरियन सोसाइटी और इकोनॉमी बदली। और बलराम के बाद कृष्ण। कृष्ण के बारे में बाकी सब बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एक चीज आपने क्या, मक्खन चोर। यानी आपके डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ लैंड के बाद, यानी एग्रीकल्चर के बाद अगला अवतार किसका है? डोमेस्टिकेशन ऑफ द काउ, डायरी इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, फिर डायरी इकोनॉमी। अब आने वाला कौन है? दसवां, कलयुग। और उसको किस तरीके के चित्र में देखते हो आप? घोड़े पे, घोड़सवार। यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ लैंड, डोमेस्टिकेशन ऑफ द काउ एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ द हॉर्स। आज भी सीरीज जो आप पढ़ रहे हो, आपकी पूरी गिनती होती है हॉर्स पावर को, और हॉर्स पावर का मतलब ये हॉर्स के ऊपर जो कमांड किया वो था आर्य। पहले पैदल चल के लोग जो है दुनिया में घूमते थे पृथ्वीमंडल में, आप एक बार घोड़े को अपने कब्जे में लिया और घोड़सवार पे पूरे दुनिया घूमता रहा, और उस तरीके से आर्य जो है वो पहुंचा। ये आर्य का एक कल्पना कि वहां तक वो कैसे पहुंचा। मत्स्य पूर्व वराह नरसिंह वामन परशुराम राम बलराम कृष्ण कल्कि। तो अब ये एक आधार आप कह सकते हो कि मैं नास्तिक हूं, धर्म में विश्वास नहीं रखता हूं, इसलिए ऐसे बातें कर रहा हूं। लेकिन ऐसी बातें सुनना तो चाहिए आपको, विचार तो करनी चाहिए, इसके बारे में चिंतन तो करनी चाहिए कि ये भी एक राय है। सांझी विरासत पर हमला का मतलब और कोई तरीके के विचार ना आए आपके दिमाग, और ये है सबसे बड़ी लड़ाई। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में उनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए आपके सिलेबस बदली जाए, आपके इंटेक घटा दिया जाएगा, आपकी यूनिवर्सिटीज को कमजोर कर दिए जाएंगे, ताकि दूसरी किस्म की कोई वैज्ञानिक सोच ना पड़े, और ये हमले को सामना करना अब आपकी आपकी जिम्मेदारी, आपकी पीढ़ी को करना है। जैसे जनवादी अधिकारों पर हमला हुआ हमारी पीढ़ी पर, इमरजेंसी के तौर हमने उसका झेला, सामना किया और उसको सुधारा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब जो हमला आ रहा है आपके सांझी विरासत पे, उसको उसका कड़ी से कड़ी जवाब देकर वापस अपने हिंदुस्तान की वो जो मल्टीपल आइडेंटिटी की जो हमारी विरासत है उसको आपको रखना है। अगर आप विदेश जाओ तो कहेंगे जब से मैं भारतीय हूँ, अगर देश में वापस आओ तो कहेंगे मैं बिहार से हूँ, मैं बिहारी हूँ। उतना ही गर्व से बिहार में जाओ तो आप कहेंगे हम सहरसा से, उतनी ही गर्व से। और उसके बाद अपनी जात के बारे में कहोगे उतनी ही गर्व से। ये सब मल्टीपल आइडेंटिटीज ही बनाता है इंडिया में। ये मल्टीपल आइडेंटिटीज जब आप खत्म करके एक आइडेंटिटी में ले आने की कोशिश करोगे तो ये भारत भारत नहीं रहेगा। तो इसलिए ये शंकरलाल कॉन्सर्ट हॉल है, संगीत होती है ना यहाँ पर, इसीलिए शंकरलाल जी श्री राम जी ने बनाया इसको। और वो संगीत के लिए एक आखिरी बात देख के मैं आपसे बात करूंगा। भारत का मतलब क्या है? भारत, ये तीन सिलेबल है ना भारत। भ का भावम, भावम जो संस्कृत में कहते हो आपकी कैरेक्टर। र राग, बिना राग के कोई संगीत की सृष्टि नहीं हो सकती। ता, ताल, बिना राग के साथ ताल बजे हुए कोई सिंफनी नहीं बन सकती। भारत का मतलब है
भावम रागम तालम, ये तीन जब जुड़ते हैं तब सुंदर संगीत बनेगी जिसको हम और आप सुन सकते हैं, और ये तीनों जब बिगड़ते हैं तो सिर्फ ऐसी हाहाकार की आवाज आएगी जिससे वंचित होकर ये देश ही बर्बाद हो जाएगा। तो इस भारत को बचाना है, इस सांघिक विरासत को बचाना, ये आप करेंगे, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है और हमें बड़ी अच्छी लग रही है। और गर्व की बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई सालों के बाद आने का मौका मिला, क्योंकि अब छात्र संघ ऐसी बन गई जो हमारे जैसे लोगों को भी बुला लेंगे। पहले कुछ साल पहले और इस परंपरा को और आने वाले दिनों में और मजबूत करेंगे आप। इससे ये बात कहते हुए आप सबसे ये मौका जो दिया उसके लिए धन्यवाद एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।